हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। एंड बहुत सारे हडल्स है यार, बिकॉज ऑफ रेन इतना चैलेंज हुआ है ना, दो दिन तीन दिन ऐसे बिताना पड़ा है। तो थोड़े से ब्रेक्स हो गए हैं, बट मैं इसके डिफरेंट एपिसोड्स नहीं बनाना चाहता, तो इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी टाइम हो रहा है सुबह 8:45 का, और मैं जिस रिजॉर्ट में कल मैंने आपको थोड़ी देर पहले आपने देखा ही है, तो जिस रिजॉर्ट में मैं अभी था, यहाँ से 2 किलोमीटर पे एक पलंगी व्यू पॉइंट है। तो हम चल रहे हैं पलंगी व्यू पॉइंट, चलो चलते हैं और मिलते हैं रास्ते पे। अभी होटल से निकले थे, क्या मस्त व्यू है मेरे पीछे, राइट। और अभी हम निकल रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट के लिए, जो कि है यहाँ से 9 किलोमीटर दूर। तो चलो चलते हैं, मिलते हैं रास्ते पे और दिखाता रहूँगा मैं आपको अमेजिंग अमेजिंग व्यूज। नजारे देखो यार सामने के, ये होता है ऑफ बीट जगहों पे आने का, मतलब इतना बेनिफिट रहता है ना। और इतने सारे वो कमर्शियल जगहों पे जाकर इतना लोग, इतनी भीड़ भाड़, और अभी देखो कोई ट्रैफिक नहीं है, नेचर सामने है, इतना क्लियरली विजिबल है, और वो भी विलेज रोड्स। हमेशा ही अमेजिंग होता है यार, किसी भी विलेज के पास अगर आप जाओगे ना, तो वहां से जो आपको व्यूज मिलेंगे ना, वो डेफिनेटली आपको सबसे डिफरेंट व्यूज मिलेंगे। रोड प्रॉब्लम है, पलंगी व्यू पॉइंट यू नो स्ट्रेट ना, एंड राइट और लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड इट विल बी आर थैंक यू। तो देखो यार, व्यू पॉइंट्स पे जाने के लिए, ऐसे ऐसे व्यू पॉइंट्स ढूंढने के लिए मेहनत लगती है, बट वो मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूँ ताकि आपके ट्रिप्स इजी हो सके। कुछ नहीं था, बिल्कुल स्ट्रेट आकर के ये टी पॉइंट से राइट ही हो गया अपने आप। क्या खूबसूरत नजारा है यार, ये कितना खूबसूरत नजारा है, कितनी अच्छी ये रोड लग रही है सुबह सुबह। कैसे खिल रहे हैं ये पत्ते, देख रहे हो पेड़ों के ऊपर, ओह दोनों तरफ कितना अमेजिंग लग रहा है। अरे वाह, यहाँ तो कुछ पानी की भी आवाज आ रही है, अरे वाह, सीनिक भाई सीनिक। मैं यहाँ से दिखाता हूँ अभी आपको, ओ वाह। Step one, wake up early, gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think grow hard about what you wanna be. Step four, fuck everybody, just do your thing. Wake up. Today's gonna be a good day. 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 Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, good day. So yeah, this is what you do when you come to the unexplored places. See, we are enjoying. Amazing hai yaar, kisi bhi कमर्शियल वाले पे जाने से तो बहुत बहुत फार फार बेटर है यार, ये इतना अमेजिंग है। क्यों, कोई फीस नहीं है, कोई भीड़ नहीं है, लोग नहीं है, पार्किंग आराम से आप ऊपर कहीं पे भी कर दो, एंड यू कैन रिलैक्स। एक्चुअली यहाँ ज़्यादा मज़ा आ रहा है। चलो मिलते हैं रास्ते पे। It's a pickup truck. It's pickup truck in the going uncle. Yeah. It's uncles hain. Yes, what are uncles hain? Yes, so many uncles. So many uncles going in a pickup truck. Yes, uncle. And the wiper of the pickup truck goes? Yes,
स्विश वाओ यार, ऐसा लग रहा है वादियों में एंटर ही करते जा रहे हैं। पता नहीं यार कैमरा क्या दिखा रहा होगा, मैं थोड़ा सा इस पिकअप ट्रक से पीछे होता हूँ। अब देखो यार, जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं ना वैसे वैसे डेप्थ बढ़ती जा रही है, मजा आने लगा है। मतलब यहाँ पे कितनी शांति है, मतलब कहीं भी गाड़ी रोक लो यार, कहीं भी खड़े हो जाओ, ये मिल रहे हैं असली पहाड़ों के नजारे, सुकून शांति। वंडरफुल भाई वंडरफुल। अब जा रहे हो पलंगी व्यू पॉइंट पे, स्टॉप मींस स्लो भाई, ऐसा खतरनाक यूटर है ना ये। यहाँ तो रोक नहीं सकता मैं, पीछे गाड़ी आ रही है, वरना यहाँ से रोक कर व्यू लेने वाला यार। चमक गया भाई चमक गया, क्या ग्रीन वैली व्यू पॉइंट जाओगे यार कोडई में, क्या जाओगे। ये है व्यू पॉइंट, कंप्लीट ग्रीन वैली, और ये देखो एकदम ऐसा लग रहा है जैसे ये पहाड़ आधे पेड़ है और आधे ग्रासलैंड है ये। सो अमेजिंग यार, सो अमेजिंग। भाई अनटच्ड प्लेस है ये, अनटच्ड प्लेस इसे कहते हैं, अनटच्ड प्लेस। यहां तो मैं रिकॉर्डिंग रोकने ही नहीं वाला भाई, यहां रिकॉर्डिंग रोकने वाला है ही नहीं, एकदम ही अनटच्ड प्लेस है ये। सुपर्ब, ब्रेथ टेकिंग। मैं तो पता नहीं सोच व्यू व्यू पॉइंट से पता नहीं कैसा दिखने वाला भाई, यहाँ से ही इतना अमेजिंग है। तो पीछे हर मोड़ पे लिखा है ड्राइव केयरफुली, एंड ट्रस्ट यहाँ पे ड्राइव केयरफुली ही है, क्योंकि ये जितने भी हेयरपिन बेंड्स है ना, ये एक तो रोड बहुत पतली है और ये इतने शार्प है कि आपको बहुत स्लो मोड़नी पड़ेगी गाड़ी, और किस्मत कि अगर उस टर्न पे आपको कोई गाड़ी नहीं आती, तो अगर आती है तो बहुत ही डिफिकल्ट है, और बिना हॉर्न के तो आप चल नहीं सकते अगर आपको थोड़ा सा भी नहीं दिख रहा है तो। ये देखो यार, यही वो रोड है जिस पे हम चल रहे हैं पलंगी पे। तो पलंगी विलेज से ही ये रोड आती है, तो जिस रिजॉर्ट में हम थे वहाँ से बस लेफ्ट लेके स्ट्रेट जाना है, या फिर आप उससे आगे की तरफ जा सकते हैं, और वो रोड 2 किलोमीटर बाद टी पॉइंट बनाएगी, राइट लेगी, उसके बाद बस चलते जाना है, यू विल बी ऑन दिस ट्रैक। आप इस रोड पे कहीं भी गाड़ी रोक लो यार, मेरे पीछे आप माउंटेन्स देख रहे हो राइट, ये पूरा वैली व्यू है, कंप्लीट वैली व्यू। ये देखो इजंट इट अमेजिंग, मैं बैक कैमरे से दिखाता हूं आपको, एंड यू विल एंजॉय इट। तो यार अपन ने अभी थोड़ा सा आपने देखा होगा नीचे से, मैं आपको यहाँ से व्यू पॉइंट दिखाता हूँ, एक्चुअल में एक व्यू पॉइंट यहाँ बना हुआ है। तो मैं वापस नीचे आ रहा हूँ, बिकॉज अगर आप यहाँ देखोगे ना
तो यू कैनॉट स्टॉप योर व्हीकल हियर, तो यहाँ व्हीकल अपन स्टॉप कर नहीं सकते. तो चलते हैं नीचे, मैं थोड़ा बैक कैमरे से दिखाता हूँ तो आपको फील आएगा हाउ दिस रोड इज और आपको क्या मजा आने वाला. डेफिनेटली रोड है बट ऑफ रोडिंग नहीं है, बट द वे द ट्विस्ट एंड टर्न्स एंड जितना ये स्टीप हो जाता है फिर एकदम ये इंस्टेंट हाइट लेता है ना, तो फिर बहुत अमेजिंग है. लाओ मैं बैक कैमरे से दिखाता हूँ, आप इंजॉय करो. ये देखो यार हाउ द रोड गोज. वाओ, नीचे तक यहाँ से जाती है और यहाँ से व्यू बहुत खतरनाक है भाई, बहुत खतरनाक व्यू है. मैंने स्टेबलाइजेशन ऑन किया हुआ है, आई होप कि ज़्यादा नहीं हिल रहा होगा, बट मुझे फ़ोन के स्टेबलाइजेशन पे ज़्यादा यकीन नहीं रहता है, रादर देन मेरा जो एक्शन कैमरा है उसके स्टेबलाइजेशन पे मुझे बहुत यकीन है, बट स्टिल इट डज वर्क फॉर मी. चलो चलते हैं आगे. वो टिन शेड देख रहे होगे आप, वो एक व्यू पॉइंट है. तो जैसे मैंने बताया था ये एक बहुत अनएक्सप्लोर्ड प्लेस है और यहाँ कोई नहीं आता है. देखो तो कुछ ऐसा लगा भी नहीं है, बट ये टिन शेड है यहाँ पे, कभी कोई रेस्टोरेंट या कुछ रहा होगा एंड इट्स अ गुड व्यू पॉइंट एज वेल. चलो यहाँ से कुछ शॉट्स लेते हैं. ये देखो एकदम पहाड़ की ढलान पे बना हुआ है ये. लुक एट द रोड यार नीचे, वो देखो आपको वो रोड नीचे जाता हुआ नजर आ रहा होगा राइट. और उसके बाद अगर आप देखोगे तो वो एक रोड और जा रहा है ऑन टू दैट ग्रीन लैंड, वहां पे आप एंजॉय कर सकते हो. एंजॉय द ग्रीन वैली यार, एकदम ब्रेथ टेकिंग है यार. ये फोन से ऐसा लग रहा होगा कितना दूर दूर है ना ये, लेकिन ट्रस्ट ये इतना पास है ना, ये इतना पास है ना कि कांट बिलीव योर आईज यार. बहुत अमेजिंग है यार. और ये रास्ता जो दिख रहा है ना यहाँ से, पूछो मत यार, इट्स एन अमेजिंग प्लेस यार. पलंगी पलानी नहीं, पलंगी व्यू पॉइंट. तो यार आज के इस एपिसोड को करते हैं यहीं पे एंड. आई होप आपको टाइम लैप्स और ये फोटोज़ पलंगी नहीं का पसंद आया होगा. और कोडैकनाल में और भी बहुत सारी जगहें हैं बट मेजरली पब्लिक प्लेसेस हैं. अगर आपने मेरे कोडैकनाल का प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा है तो आप जाके प्लीज़ ज़रा देखें. उसमें मैंने डॉल्फिन नोज जो एक एज पॉइंट है वट्टा कनाल में और एक स्पाइस वैली जहाँ पे मैंने कैंपिंग किया था वो मैंने कवर किया है. इस एपिसोड में मैंने आपको बियर शोला फॉल दिखाया जो एक सबसे अनएक्सप्लोर्ड प्लेस है, जिसमें कैसे थ्रू जंगल्स में गया राइट. और मेरे पीछे तो आप देख ही रहे हो यार ये नज़ारा पलंगिनी का राइट. और ये व्यू पॉइंट पे मैं बैठा हूँ. तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड, सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड. स्टे ट्यून्ड क्योंकि अगला एपिसोड आ रहा है जिसमें हम जा रहे हैं अब कोडैकनाल से आगे. तो स्टे ट्यून्ड.
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो यार. एंड स्टे ट्यून्ड. सी यू. टेक केयर. टाटा. बाय बाय.